हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल मैं हूं अमिता और आज मैं अपना बनाने जा रही हूँ फर्स्ट ब्लॉग और आज हम आ, जा रहे हैं आउटसाइड वो भी आ, बच्चों को लेके क्रिसमस का टाइम है तो ओबियसली लास्ट ईयर हमने हॉलीडे प्लान करे थे इस टाइम पे तो हम हॉलीडे के लिए अभी मतलब एक दो तो दिन, दिन हम बाहर ही रहे घूमते रहे थे तो इस टाइम हम होलीडे नहीं जा रहे बट हम बच्चों को फिर भी बाहर लेके जा रहे हैं जैसे क्रिसमस uh, लाइट्स देखने के लिए तो यहाँ पे बहुत सारे पार्क्स हैं जो जहाँ की एंटीक टिकेट्स होती है बहुत कुछ होता है तो वहाँ पे हम देखे जा रहे हैं और दिस पार्क इज़ वेरी स्पेशल वन एंड आई विल गिव You all the information about this park and lighting and everything whatever we will see there but this is my first vlog i made today i start to make today my first vlog and i'm very excited about this so finally i'm live on my camera and let's see how it goes thank you hello, hello guys my face to say hello to you hello, I don't uh, know. And he wants to say, I love you as well. I don't know why, but he's saying that. And what about you, Shivai? Can you say hello to everybody, please? I love you! Because this is mommy's first vlog. And uh, mommy. <laughs> Too much excitement. <laughs> Alright, never mind. Um, hello! Shivai, can you say hello to everybody? Mommy! could see. they can see this is your first video when you when we put this on a tv the people can see people can हेलो फ्रेंड्स तो हम अभी पहुंच चुके हैं वेडस्टन पार्क में तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितना नाइस व्यू है और कितना अच्छा लग रहा है नेचर के कितने ऐसे लग रहा है नेचर के कितने, कितने करीब आ गए हैं हम तो यहाँ पे अंदर जाने के लिए हमें बस में जाना पड़ेगा तो सारे यहाँ पे कार में आके अपनी कार पार्किंग में पार्क कर देते हैं और अंदर जाने के लिए आपको यहाँ पे बसेस लगी हुई हैं जिसमें आपको बैठ के जाना पड़ता है और आप वो करके भी जा सकते हो पंद्रह बीस मिनट की वॉक है वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने बस में जाना है या जा वॉक करके जाना है तो हमारे साथ बच्चे थे तो हम वॉक कर नहीं सकते थे क्योंकि ओब्वियसली बच्चों के साथ वो ज़्यादा वॉक नहीं कर सकते क्योंकि वो थक जाएंगे तो इसीलिए हमने प्रेफर किया बस में जाना तो जैसे ये जो रूट आप देख रहे हैं यहाँ से जो पैदल लोग हैं वो जाएंगे इन्जॉय करते हुए तो ओबियसली अभी हम दिन में जा रहे हैं तो लाइटिंग्स नहीं दिख रही दिन का अपना मज़ा है और रात का अपना मज़ा आएगा तो हम पहुँच चुके हैं अभी देख लीजिए आइस uh, पड़ी हुई है स्नो पड़ी हुई है सारी तरफ जैसे ये कंट्री साइड में है ना तो ठंड ज़्यादा होती है कंट्री साइड मीन्स कि जैसे हमारी विलेजेस होती हैं शहर से बाहर तो ठंड ज़्यादा होती है तो उस वजह से यहाँ पे स्नो है अदरवाइज जो हम जैसे मेन लंदन में रहते हैं तो फिर वहाँ पे इतनी स्नो नहीं है वहाँ पे स्नो जो है वो मेल्ट हो गई थी जल्दी से हो जाती है तो ठंड तो बहुत है नो डाउट ठंड बहुत है तो बच्चे जो हैं वो अपना इन्जॉय करने लग लग चुके हैं आप देख सकते हैं शिवाय ने तो अपना मेरे जो यंगर सन है उसने तो अपना पूरा मज़ा किया उसने अपने सारे कपड़े गीले कर लिए सब कुछ और वो तो थक ही नहीं रहा था जैसे उसको ठंडी नहीं लग रही और जो मेरा बड़ा बेटा है वो बहुत ही आज काम था पता नहीं क्यों आई थिंक उसको ठंड लग रही थी मैंने उसको बहुत वॉम अप करा हुआ था लेयर्स पहनाई हुई थी अंदर बट फिर भी वो वो थोड़ा काम था ना मतलब कि उसका मन नहीं कर रहा था प्ले करने का ही डजेंट वॉन्ट टू प्ले विद अदर किड्स तो वो बहुत ही मुझे थोड़ा उसका ध्यान रखना पड़ा फिर जब फिर अभी ये दोनों तो में बैठ के इन्जॉय कर रहे हैं थोड़ा सा खा पी रहे हैं स्नैक्स वगैरह तो यहाँ से भी हॉट मील लेंगे हम बाद में पहले थोड़ा सा घूम लें हमारे आधे फ्रेंड्स आए नहीं हैं उनका भी वेट कर रहे हैं तो अभी तब तक ये लोग प्ले कर लें ये लोग खेल रहे हैं मुझे तो ऐसे स्विट्ज़रलैंड की फीलिंग आ रही थी आज तो मैंने बोला चलो कोई बात नहीं और यहाँ पे फ्रेंड्स जैसे ये पार्क जो होते हैं ना इनको मेंटेन करने के लिए ना जो यहाँ की गवर्नमेंट से वो क्या करती हैं कि लोगों यहाँ की टिक लाइक यहाँ पे ना जैसे आपको और पे करना पड़ता है जैसे अगर आप मेंबरशिप लेते हो ना तो मेंबरशिप का आपको पे करना पड़ता है अगर आप नहीं लेते मेंबरशिप और अगर यहाँ ऐसे जैसे विंटर में यहाँ पे क्रिसमस पे यहाँ पे विंटर बन इन्होंने विंटर लाइट्स लगाई होती हैं क्रिसमस शॉप्स लगाई होती हैं तो ये यह सारी यहाँ की जो विलेज का जो सामान है ना जो जो लोगों की लोगों का प्रोफेशन है जो कुछ भी कोई घर में कुछ बनाता है तो वहाँ पे अपनी देखो कितनी क्यूट सी शॉप्स लगा लेते हैं ये तो यहाँ पे चॉकलेट्स जैसे ना इंग्लैंड में ये फॉरन कंट्रीज़ में चॉकलेट्स बहुत फेमस फेमस होती हैं तो ऑलमोस्ट यहाँ पे फेमस वाइन मोल वाइन क्रिसमस पे जो वाइन होती है ना उसको गर्म करके ना और जैसे बड़ा अच्छा बना देते हैं और यहाँ पर मेरी मॉडलिंग शुरू हो गई है आप देख सकते हैं तो मुझे वैसे भी फोटोशूट का बहुत शौक़ है तो ओबियसली हम आए हैं तो कुछ तो करेंगे ही तो बस थोड़ी सी हमने ऐसे वीडियोस बनाई और इन्जॉय करा बच्चों ने अपना इन्जॉय करा जब तक कि शाम को जैसे ही रात हो जाएगी ना एक घंटा हम यहाँ पे ऐसे ही घूम रहे थे तो एक घं एक दो तो घंटे के बाद यहाँ पे ओब्वियसली नाइट टाइम हो गया और लाइट्स uh, ऑन कर दी इन्होंने जब लाइट्स ऑन करते हैं ना तो फ्रेंड्स आप मानोगे नहीं कि आपको ऐसा लगेगा कि आप दिन में ही किसी क्लब में घूम रहे हो रियली बिलीव मी यू विल फील लाइक दैट यू कैन सी देखिए लाइट्स का म्यू मतलब जब लाइट्स ऑन होती है ना तो सारे लोग खड़े होके ना बस लाइट्स ही देखते हैं तो यहाँ का मेन है ही बस यही कि आपको ये इसका है ही विंटर लाइट्स इसका नाम ही ऐसा है विंटर लाइट्स और बहुत फेमस है जैसे ही ये विंटर लाइट के लिए अपनी टिकट्स ऑनलाइन डालते हैं ना तो इनकी टिकट्स बस पलक झपकते ही बिकनी शुरू हो जाती हैं और हमें सारे लोग वेट करते हैं कि कहाँ कहाँ बुकिंग करनी है तो ओबियसली जैसे हमने लास्ट ईयर हमने मेरी फ्रेंड्स ने सारी बुकिंग कर ली थी कि हाँ यहाँ 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 बच्चों को लेके जाएंगे तो इस बार हमने इतना नहीं किया प्लान बट हाँ हमने यहाँ विंटर लाइट्स का हमने बुकिंग करवा ली थी तो देखिए लग रहा है ना किसी राजा के कि महल है तो ओब्वियसली ये महल ही बट ओब्वियसली जैसे लग रहा है ना जिंदा जागता जागता जी जीता जागता महल लग रहा है जैसे अभी यहाँ पे राजे रहते हैं और उनकी है ना ऐसी फीलिंग आ रही है बहुत ही ये लाइटिंग म्यूज़िक के साथ यहाँ पे लाइटिंग जो है ना म्यूज़िक के साथ प्रॉपर म्यूज़िक जैसे पियानो बज रहा है इतना मज़ा आता है ना कि मन करता है कि लोग क्या करते हैं यहाँ आके अपनी वाइन अपनी कॉफ़ी अपनी हॉट चॉकलेट लेके बैठ जाते हैं अपना फूड इंजॉय करते हैं तो ये है विंटर लाइट तो यहाँ पर अभी विंटर लाइट का आपने देख लिया यहाँ पर लगा हुआ एरो यहाँ से वो डायरेक्शन दे रहे हैं कि आपने यहाँ से अंदर जाना है तो ये जो आपने लाइट देखी साइड पे ये सारी शॉप्स हैं तो पिछली बार क्या हुआ था पिछली बार इन्होंने खाने पीने की शॉप शुरू में ही लगा दी थी तो बड़ा रश हो गया था शुरू में इस बार इन्होंने थोड़ा यूज़ करा दिमाग यूज़ करा इसने क्या करा कासल के पीछे खाने पीने की शॉप्स लगाई हैं और फ्रंट में इन्होंने जो भी विलेजेस का प्रोफेशंस जो भी वो बनाते हैं कुछ भी है ना वो उन्होंने शुरू में वो शॉप्स लगाई कि पहले वो शॉपिंग करें ताकि रश ना पड़े तो पीछे जाके कासल के वो अपना जो भी है तुम लोग उनको खाना पीना है वहाँ पे जाके खाओ इस वजह से भीड़ कम लग रही है तो अभी आप देख सकते हैं हम अंदर से जा रहे हैं अंदर इन्होंने लाइटिंग के लिए ना जैसे जितने भी इनके जंगल में ट्रीज वगैरह है ना उनको सभी को इन्होंने डिफरेंट लाइट्स के साथ डिफरेंट कलर्स के साथ डेकोरेशन की हुई है और इतना प्यारा था कि मैं इतना सारा कुछ वीडियोस में नहीं दिखा सकती थी तो मैंने जितना हो सके उतना वीडियो में आपको दिखाने की कोशिश करी है ये तो एंड में है अभी मैंने काफ़ी कुछ मिस कर दिया था वो मैं शुरू में आ, आपको एंड में ना थोड़ी सी हाईलाइट्स के लिए पिक्चर्स डाल दूँगी वो आप देख लेना क्योंकि ओब्वियसली इतना वीडियोस में देखो ऐसा लग रहा है ना जैसे हम किसी स्टेडियम में है और यहाँ बीच में स्टेडियम है और पीछे लाइट्स है ऐसी फीलिंग इसमें आ रही थी बट ये क्या है इन्होंने एक पार्क में एक बोल रखी हुई है लाइटिंग वाली डिस्को जैसी और ऊपर ट्रीज़ के ऊपर ये लाइटिंग्स डाल रहे हैं तो इस वजह से हमें सिटीज़ वाली लुक आ रही है कि यहाँ से लोग बाहर बैठे हुए हैं लोगों के घर हैं और हम किसी स्टेडियम में बैठे हैं ऐसा कुछ नहीं है बट और ये देख लीजिए दे, देख लीजिए यहाँ पे कितनी कलरफुल लाइट्स हैं और ये और, अभी ऑलमोस्ट हम लाइट्स का जो था वो फिनिश हो गया था इतनी ठंड थी यहाँ पे माइनस माइनस जब मे था और हमने बहुत लोग जल्दी आके चले गए और हमने भी डिसाइड किया कि हमें भी अब चलना चाहिए क्योंकि बच्चे बहुत तंग हो रहे हैं उनको ठंड बहुत लग रही है हमने बहुत सारी लेयर्स पहनाई हैं बट फिर भी ठंड तो बहुत है तो फिर हमने डिसाइड किया कि चलो अब हम चलते हैं बट हमने मेन मेन चीज़ें जो हैं वो सारी देख ली हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी सुंदर लाइटिंग है कितना मज़ा आ रहा है पिछली बार जब हम यहाँ आए थे तो इससे भी ज़्यादा लाइटिंग थी इससे भी ज़्यादा अच्छा मतलब इसमें और ज़्यादा चीज़ें ऐडअप थी तो बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐडअप थी दिस टाइम इन्होंने इतना नहीं किया कि किया हुआ है काफ़ी किया हुआ है बट कम थोड़ी चीज़ों को कम कर लिया आई थिंक इनको पता चल गया था कि ठंड होगी तो लोग में भी कम आए और जहाँ फिर बट फिर भी इन्होंने बहुत अच्छा मतलब फिर भी बहुत अच्छा इन्होंने बहुत हद तक इन्होंने बहुत कुछ किया हुआ था तो अभी हम आज हम आ चुके हैं एंड में तो लाइट्स का जो इनका था वो हमने सारा नहीं घूमा क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं टाइम तो हमारे पास काफ़ी था पर ठंड बहुत थी तो हमने जो मेन मेन था वो सारा घूम लिया तो बहुत कुछ होता है देख लीजिए आप कितना लग रहा है ना किसी शादी में आए हैं ऐसा लग रहा है तो यहाँ पे अभी सब भी वापस जा रहे हैं तो कोच का वेट करेंगे तो सारे लाइन में लगे हुए हैं कोच का वेट कर रहे हैं और हम भी લાઈક મે લગ જા લગગે હે ભી હમ ભી લગ જાયેંગે ઓર વેઇટ કરેંગે ગોચ કા તો મેને સارا kuch વિડિયો મે નહી દિખા પાઈ તો ઇસલિયે મેને હાઈલાઈટ્સ કે લિયે થોડીસી પિક્ચર ડાલ દી હે જસે આપ દેખ સકતે હો કિતની સુંદર મતલબ યે સارا kuch ના મેને વાહા પે ખડે હોકે દેખ રહી થી મે ઓર મેરા બેટા ભી દેખ રહા થા ઓર બાકી سارے ઘુમ લેતે ઓર મે ઇસકે સાથ લગી ہوئی થી ઉનકે ઇસને તો બહોત તંગ kiya થા ઓર ਦુસરા બિલકુલ ઓપોઝિટ થા ઉસકો ઠંડ લગ રહી થી તો મેને યે પિક્ચર્સ ડાલ લી હે વો મેરે સાથ ચિપકા ہوا થા કહેતા હી વોസ് કરાઈંગ લાઈક ધેટ કે મે આ મ નોટ गया नहीं है। और दूसरा वो वहां पे, जो मड़ी पडल्स होते हैं ना, वहां पे उसके साथ खेल रहा था जंप कर रहा था उसने अपने सारे कपड़े गीले कर लिए थे और मुझे भी उसने गीला मेरे भी उसने कपड़े गंदे कर दिए थे बट uh, देखिए कितनी सुंदर लाइट्स आई होप यू लाइक द वीडियो एंड मैंने जितना हद, हद तक हो सके आपको दिखाने की कोशिश करी है जैसे ये पियानो इस इसप ना बच्चे जब पैर रखते थे ना पियानो पे तो इसमें बड़ा अच्छा म्यूजिक प्ले होता था यहाँ पे बटरफ्लाई थी कलरफुल बटरफ्लाई लाइटिंग वाली और ये बॉल थी म्यूज ये तो बॉल थी सिंपल और यहाँ पे ऐसा लग रहा था जैसे ना कोई स्टेडियम हो और ये जो लाइट्स ब्यूटीफुल लाइट्स यार कितना मज़ा आ रहा था देखने का मन कर रहा था कि वहीं पे रहें वापस ना जाएं पर ओबियसली ठंड इतनी थी जाना भी पड़ना था तो बच्चों बच्चे के वो रो रहे थे बड़ी बुरी तरह से